पाकिस्तान के पाले हुए दामाद और खुद पाकिस्तान की बैंड दोनों तरफ से बचाई जा रही है। एक तरफ से भारत पेलम पेल कर रहा है तो दूसरी ओर से मोर्चा अफगानिस्तान ने संभाल लिया है। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की पिटती तस्वीर पर अब लाल रुमाल बांधने को लेकर भारत और अफगानिस्तान में एक प्रकार की प्रतियोगिता शुरू हो गई है। मतलब पाकिस्तान की ठुकाई कौन ज्यादा कर सकेगा। कमाल की बात यह है कि परमाणु संपन्न मुल्क का इसके पड़ोसी देशों ने कीटाणु संपन्न मुल्क बनाकर रख दिया है। इधर इमरान खान खुद को तालिबान का ताबेदार बनाकर ट्रंप के चरण स्पर्श करने गए हैं। उधर अफगानिस्तान ने इसके पिल्लों पर फरिया प्रांत में एयर स्ट्राइक कर दी है। एयर स्ट्राइक भी छोटी नहीं, इतनी बड़ी कि पाकिस्तान के 28 पिट्ठू तालिबानी मारे गए हैं। ये एयर स्ट्राइक बिल्कुल भारतीय सेना के अंदाज में की गई है। अफगान वायुसेना के A-29 विमान ने बिलीरबाग जिले के फरिया प्रांत में छुपे बैठे तालिबान ठिकानों को निशाना बनाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया है। खास बात यह है कि इन आतंकवादियों में अधिकतर पाकिस्तानी हैं, जो तालिबान में शामिल होकर अफगानिस्तान सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये आतंकी इस ठिकाने से सुरक्षा बलों के खिलाफ हमला करने की योजना बना रहे थे। इसी दौरान इन आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। गौरतलब है कि जब से अमरीकी तालिबान मसले को लेकर पाकिस्तान ने दखलंदाजी शुरू की है, अफगान सेना ने तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिए हैं, जिसके लिए पाकिस्तान दबे स्वर में प्रतिरोध करता दिख रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत की एजेंसियों की सह पर अफगानिस्तान सेना तालिबान के खिलाफ आक्रामक अभियान चला रही है। इससे पहले शनिवार को निर्देशित मिसाइल हमले में भी अफगानिस्तान सेना ने 24 तालिबान को मार गिराया था, 17 जख्मी हो गए थे। इस कार्रवाई पर भी पाकिस्तान बिदक गया था और तालिबान का पक्ष करते हुए कहा था कि यह अमेरिका और तालिबान के बीच वार्ता को बाधित करने वाला कदम है। मतलब अफगानिस्तान में जिस प्रकार लाइन लगाकर तालिबान का सफाया हो रहा है, पाकिस्तान के पिछवाड़े पर मंडराने वाले तोते चोंच मार मार कर उड़ रहे हैं। लेकिन मामला केवल इतना नहीं है। जिस तरह से अफगान वायुसेना ने तालिबान को भारतीय अंदाज में ठोका है, उससे पाकिस्तान के कान खड़े हो गए हैं। वैसे भी अफगान सेना द्वारा इस तरह की एयर स्ट्राइक अपने बूते पहली बार की गई है। इससे पहले जितने भी संघर्ष हुए वे जमीनी थे, मगर अफगान वायुसेना ने A-29 विमान का इस्तेमाल करके जता दिया है कि जिस तालिबान को मोहरा बनाकर इमरान खान अमेरिका को उल्लू बनाने चला है, अब उसकी खैर नहीं है। यानी जब तक पाकिस्तान अमेरिका से अपनी जुगलबंदी को आगे बढ़ाने की राह पर बढ़ेगा, अफगान में उन्हें इतना कमजोर कर दिया जाएगा कि अमेरिका के लिए पाकिस्तान की कोई उपयोगिता नहीं रहेगी। हालांकि यह आसान नहीं है, तालिबान अभी भी अफगानिस्तान के 30% हिस्से से ज्यादा पर काबिज है। लेकिन वे जमीनी युद्ध तो लड़ सकते हैं, मगर उनके पास युद्धक विमान नहीं है। ऐसे में अफगान सेना ने इस विकल्प को चुनकर पाकिस्तान परस्त तालिबान की नींद उखाड़ दी है। पाकिस्तान को इस हमले से जरूर मिर्ची लगी है, पर तालिबान ने कुछ नहीं कहा है। उसके लड़ाकों की लाशें अभी भी वहीं पड़ी है। अफगान सेना का कहना है कि तालिबान को सबक सिखाने के लिए यह एक परीक्षण जैसा था, असली कार्रवाई तो आगे की जाएगी। वैसे एयर स्ट्राइक से अफगान वायुसेना को सबसे बड़ी सीख यही मिली है कि उसमें उन्हें कोई क्षति नहीं हुई और उन्हें बड़ी सफलता मिली है, जिसके बाद अफगान सेना पूरे जोश में है। पाकिस्तान ने अपने शक की सुई भारतीय एजेंसियों की तरफ घुमाई है। उसे लगता है कि जिस प्रकार अफगान सेना ने सटीक लोकेशन पर सटीक प्रहार किया है, ऐसी काबिलियत अफगान सेना के पास नहीं है। अफगानिस्तान में अभी ऐसा तंत्र भी विकसित नहीं हुआ है जिससे वह पहाड़ी क्षेत्र में आतंकवादी ठिकानों को ट्रैक कर सके। उसके पास खुफिया जानकारी मुहैया कराने वाले सैटेलाइट ही नहीं है, इसलिए उसे किसी अन्य देश से गुप्त रूप से मदद मिल रही है। बहरहाल अफगान सेना पिछले हफ्ते से तालिबान पर कहर बनकर टूट रही है, जिसमें अब हर दिन बड़ी संख्या में पाकिस्तान के पिट्ठुओं को बेहतर हुरों के रास्ते पर भेजा जा रहा है। अफगान सेना द्वारा की गई एयर स्ट्राइक उसी कड़ी का एक हिस्सा है, साथ ही पाकिस्तान की उस तालिबान वाणी पर गोंद लगाने का कदम भी है, जिसके भरोसे पाकिस्तान अमरीकी मदद पाकर अपनी कंगाली को दूर करने के सपने बुन रहा है। सूत्र तो यह भी बताते हैं कि इस एयर स्ट्राइक पर पाकिस्तान इसीलिए बिलबिला रहा है कि जिन आतंकवादियों को पीओके के टेरर कैंपों से पाकिस्तान से हटाया गया था, वे यही आतंकवादी थे। मतलब भारत से बचना अब मुश्किल ही नहीं, ना मुमकिन है।
आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।